जय हिंद साथियों, मैं प्रवास कुमार जी आप सभी का जावा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जहाँ आपको रखते हैं प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं 1.5 साल और इन्फॉर्मेशन सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी और साथ में हम हेल्प करते हैं आपको मैथ में भी। आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का। जी हाँ, हम बात करेंगे बहुत दिनों के बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। आज बात करेंगे, बहुत ही शानदार अपडेट देंगे, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारे जितने भी बहनें हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जितने भी रसोईया, नाइट वॉचमैन, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप सबके लिए भी इन्फॉर्मेशन है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जो अपडेट आपको दे रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो है वेरिफिकेशन का डेट भी आ गया है, उसके बारे में भी बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कमेंट करके वही क्वेश्चन पूछिएगा जो हम डिस्कस नहीं किए हुए हैं। चलिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप लोग कमेंट करते हैं किसी भी वीडियो पे कि सर कस्तूरबा गांधी का सेकेंड लिस्ट का क्या हुआ, सर नाइट वॉचमैन का क्या हुआ, जितना दर्द से, जितने दर्द से, जितना पेन आपके उस कॉमेंट में रहता है, सेम पेन से हम उस कॉमेंट को पढ़ते हैं। मेरा मन करता है कि हम बहुत जल्दी आपको सब इन्फॉर्मेशन ला के दे दे, अगर मेरे हाथ में हो तो। मेरा तो मन करता है कि जो पदाधिकारी हैं उनको लाके आपके सामने खड़ा कर दे और आप उनसे क्वेश्चन करो, क्योंकि ये सही नहीं है इतना लंबा लंबा समय लेना और ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजों को करना। क्योंकि जब आप कोई प्रोसेस करते हैं, मानते हैं विभागीय काम है, लेकिन जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसको आप क्विक चाहिए, क्योंकि हर एक लोग को आप क्विक चाहिए, सब कुछ जल्दी चाहिए। या तो आप क्लियर कर दो कि अब नहीं आएगा, जो होना था हो गया, या आप समय समय पे पूरा अपडेट और इन्फॉर्मेशन देते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट का भी वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। आइए चलते हैं आपको लेके वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या है उस वेबसाइट पे, क्या आया है नोटिस में। देखिए, दो काम आप जरूर करते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को विजिट करते रहिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, और वेबसाइट को जरूर विजिट करते रहिएगा, वेबसाइट को विजिट जरूर करते रहिएगा। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे, क्या दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे भी जो है ना खुल गया होगा वेबसाइट, और आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का आया हुआ है। ये देखिए, ये कस्तूरबा गांधी का आपका वेबसाइट स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और यहां पे हम चलते हैं। चलिए, चलिए, तो आपके स्क्रीन पे वेबसाइट खुल गया होगा, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी का जो है वेबसाइट खुल चुका है। केजीबीवी नियोजन प्रथम चरण में रिक्त रह गए पदों के विरुद्ध जिलों के नियोजन करने हेतु समय सारणी, ये सब तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। आइए देखिए, ये पहला आप देखिएगा, ठीक है। तो मधेपुरा का जो है ना लिस्ट आ चुका है मधेपुरा का। इससे पहले गोपालगंज का 5 सितंबर को हुआ था, सुपौल का हो चुका है 28 अगस्त का, 23 अगस्त का किशनगंज का हो चुका है, मुजफ्फरपुर का हो चुका है, बेगूसराय का, नवादा का, वैशाली का, पटना का, रोहतास का, शिवहर का, औरंगाबाद का और समस्तीपुर का। तो ये सब का लिस्ट पहले ही आ चुका था सेकेंड काउंसिलिंग का, और ये जो अभी जो लिस्ट आया है मधेपुरा का, ये लिस्ट देखिए क्या बता रहा है इसमें। तो मधेपुरा का जो है ये लिस्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मियों के नियोजन संबंधी सूचना। तो जितने भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं जो कि मधेपुरा से हैं, तो आपके लिए बढ़िया न्यूज है, शानदार न्यूज है, और आपका जो है ना वेरिफिकेशन का डेट आ गया है। ये डेट है 20/9/2023 को 11 बजे से 5 बजे तक, और इसमें साफ शब्दों में लिख दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा एवं समय शिक्षा कार्यालय अधिकाल मध्य विद्यालय परिसर मधेपुरा में होगी, ठीक है। मधेपुरा में एड्रेस दे दिया है। मेगा सूची के सभी आवेदक समय अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र के 2 सेट, मतलब सेल्फ अटेस्टेड प्रमाणित सभी मूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ समय कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अंकित अवधि के पश्चात आपका दावा स्वतः समाप्त समझी जाएगी, जिसका संपूर्ण जवाबदेही संबंधित आवेदक ही होंगे। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं या उस दिन काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं, उस दिन वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो पूरा का पूरा जवाबदेही आप ही की होगी।
तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट हैं जो मधेपुरा से फॉर्म भरे थे उनका डेट आ चुका है मधेपुरा वाले का, ठीक है। और ये है 20/9/2023 को 11 बजे से 5 बजे तक। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का क्या करना है, दो जीरोक्स करवा लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा और लेके आपको पहुंच जाना है। ये एड्रेस दिया हुआ है प्रारंभिक शिक्षा एवं समाप्त शिक्षा कार्यालय अधिक लाल मध्य विद्यालय परिसर, अधिक लाल ही तो है यार, यस, अधिक लाल मध्य विद्यालय परिसर मधेपुरा में। तो ये तो बात हो गया मधेपुरा का। चलिए अब हम बात करना चाहते हैं कि जिनका अभी तक नहीं आया है उनके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि देखिए जितने भी नाइट वॉचमैन, रसोईया, सेविका का कैंडिडेट्स हैं, देखो हम पहले ही बता चुके थे कि आप में थोड़ा सा टाइम लगेगा और टाइम लगेगा, जब तक इधर काम नहीं होगा उधर का नहीं होगा, लेकिन अब ये टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या कि बीपीएससी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया बीच में, उसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट का काम वहां पे जो है ना फोकस हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैकेंसी था, सबकी नजर में ये वैकेंसी है, ये छोटा सा वैकेंसी रहता है तो वहां सबकी नजर में नहीं है, वो परमानेंट जॉब का है, ये संविदा पे है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग गया और लगभग ये काम खत्म होने पे खत्म हो चुका है। तो अब आपका पूरा काम जो है ना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जिनका जिनका जो है ना सेकेंड लिस्ट नहीं आया है वहां लिस्ट आएगा, कुछ जगह पे जो है ना सेकेंड लिस्ट नहीं भी आएगा, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है जहां पे सीट फुल हो गया है, जहां पे सीट फुल हो गया है बाय द वे अगर कोई छोड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि पूरा लंबा प्रोसेस है, तो इस लंबे प्रोसेस को आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ जो है ना इसको देखना है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि जो पेन आपके पास है, जो दर्द से आप कमेंट करते हैं या कुछ भी मैसेज करते हैं, सेम हमको भी फील होता है आपके मैसेज पढ़ के। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि आपका अपडेट आए और हम ना दें, ऑफ कोर्स, लेकिन बिना मतलब का अगर हम वीडियो बनाएंगे तो आप सोचिए आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। वीडियो बनाने का पर्पस होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आप वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप ही बताइएगा कि सर कुछ बताते नहीं है वीडियो बनाते हैं। जैसे अभी मधेपुरा का आया तो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसके साथ साथ मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि बीपीएससी का जो था वेरिफिकेशन वो हो चुका है, तो अब ये काम स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस फास्ट होता जाएगा और धीरे धीरे सबका आता जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, आपके लाइक के बटन दबाने से मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जरूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आपको, आपके डिस्ट्रिक्ट का भी अपडेट बहुत ही जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी एक एक करके हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपडेट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट का टास्क फोर्स था वो पूरे के पूरे बीपीएससी वाले पे लगा हुआ था, अब वो बट गया है, तो टोला मरकज का भी अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट का बचा हुआ है तो वहां पे भी आएगा, ठीक है। और साथ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जाके वेबसाइट चेक किया है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कस्तूरबा गांधी का जो विद्यालय है वहां पे जो नोटिस लगा हुआ था, वो नोटिस लगा हुआ था किस चीज का, कि भाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्कूल में जो है ना सामग्री खरीदने का नोटिस लगा हुआ था। तो देख के बड़ा अचंभित हो गए, भाई सामग्री खरीदने का नोटिस लगा हुआ है लेकिन प्रोसेस में जो सिलेक्शन हुआ है उन लोग का नोटिस ही नहीं लगा हुआ है। एक जगह तो नोटिस लगा हुआ था कि कस्तूरबा गांधी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का सीट अलॉटमेंट था वो भरा ही नहीं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स जो कि ज्वाइन कर लिए हैं वो बता रहे थे कि सर वहां पे जो है ना स्टूडेंट सबसे पोछा रखवाया जाता है, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है पूरा पूरा आवासीय विद्यालय है, ठीक है, और वहां पे सब काम स्टूडेंट का जो काम होता है वो स्टूडेंट के द्वारा ही करवाया जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात होना भी चाहिए कि स्टूडेंट जो है ना जब वो क्लास 6, 7, 8, 9 में रहता है तो कुछ काम ऐसा होता है जो उनको खुद से करना भी चाहिए, इससे उसमें संस्कार बढ़ता है, इससे उनको अपने काम के प्रति दायित्व बढ़ता है, जो कि होना ही चाहिए। तो हम बताना चाहेंगे ये सब है। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो मेरा कहना है कि अगर आप काम शुरू करते हो तो शुरू में दिक्कतें होंगे, क्योंकि एकाएक आप दूसरे एनवायरमेंट में जाते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे एनवायरमेंट में जाएंगे तो दिक्कतें तो आएगा, सामना तो करना पड़ेगा। तो छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन, कोई भी काम पकड़ के उसको छोड़ना सोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि उसमें एडजस्ट करना सोल्यूशन होता है। अगर उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका आ रहा है, जैसे मान लीजिए बीपीएससी टीचर में आपका हो रहा है, तो यू कैन, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको जरूरत है वो पकड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आता है तो छोड़ सकते हैं। तो काम तो ऐसा ही होता है, आवासीय विद्यालय है तो आपको वहीं पे रहना पड़ेगा,
उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा, उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलना होगा। कुछ लोग का कहना है कि सर सैलरी बढ़ेगा, तो वो सैलरी बढ़ना जो है ना, वो अभी ज्वाइन करते ही आपका सैलरी नहीं बढ़ेगा, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, ठीक है ना, समय इसमें लगेगा। एक साल काम करोगे, दो साल काम करोगे, तब जाके जो है ना सैलरी बढ़ाया जा सकता है, वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो धरना प्रदर्शन ये सब आप देखते ही है, होता ही है। चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बता दिए सर कि अभी जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, वो मधेपुरा का है। तो मधेपुरा के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, प्लीज जरूर जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको पता होगा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगता है, आपके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, बाकी जो जिस कैटेगरी से आप जाते हैं वो सबका आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए, सबका दो कॉपी कर लेना है, दो फोटो ले लेना है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, लेके पहुंच जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जामैस मैजिक, थैंक यू।